नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बागेल साहब को ऐसे ही बना दिया मंत्री। उनकी बरादरी का आउट है, उनकी जात का आउट है, कास्ट का आउट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है, सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है, तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट, क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं, वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1000 वोट से, 17 आया तो 31000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। वैसे सर, बिहार का उदाहरण आपके सामने है, विपक्ष के बिखराव के चलते नीतीश की सरकार बनी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से? फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार है, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने अच्छा, अब ठीक है, चलिए अब आपसे बहस होगी। अब बताइए कितने सीट है मैम लड़ी? बिहार में आप 5 सीटें से जीते। लड़े कितने? लड़े आपने 60-70 सीटों पे। झूठ झूठ झूठ, आप अपना मजाक मत बनाइए, ठीक है? मजाक मत बनाइए, आपकी झूठ साबित होगी। छोड़ रहे, ठहरिए, अब सुनिए, अब सुनिए, देखिए, आपके इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े, सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े, 19, चलिए जीते कितने, 5, बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ। 5 सीट, सुनिए, 5 सीट पर एनडीए जीत गया, और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप, तब भी वो मेजोरिटी के करीब नहीं है जो जीते वो लोग। मेरे भाई, जरा रिसर्च कर लीजिए, हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है। हाँ, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है, और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं है, जरखरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे, संविधान में इनको इजाजत है, और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है?